छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। थाने में युवक का हथकड़ी खोलकर मारपीट, दो आरोपी गिरफ्तार। काम में लापरवाही बरतने पर एसपी ने 3 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। जानिए पूरा मामला। थाना पिथौरा से युवक का हथकड़ी खोलकर ले जाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पीड़ित युवक तरुण कुमार दहरिया ने आज अपनी मां के साथ थाना पिथौरा आकर एफआईआर दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपी सन्नी सरदार और राहुल को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में काम में लापरवाही बरतने पर एसपी ने 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। दरअसल इसी महीने की 1 तारीख को आरोपियों ने पीड़ित युवक को पीटते पीटते थाना पिथौरा लाया, जहां उसे पहले तो हथकड़ी लगाकर पिटाई करवाया, फिर थाने से हथकड़ी खुद खोलकर उसे गाड़ी में डालकर रायगढ़ ले गए। इस बीच उसे लात घूसों से जमकर पीटा। यही नहीं, इन सारे कृत्यों का बाकायदा वीडियो भी बनाया और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से वायरल कर दिया। वायरल वीडियो और शिकायत के मुताबिक पिथौरा थाने से पुलिस वालों की मौजूदगी में एक दलित युवक तरुण कुमार दहरिया, पिता नोहर दहरिया, निवासी सन्नी खोरा, थाना पलारी को हथकड़ी खोलकर थाने पिथौरा से रायगढ़ अपनी कार से ले गए। उसके साथ पूरे रास्ते मारपीट और गाली गलौज किया। ऐसा करते हुए राहुल सिंह और सन्नी सरदार ने उसका वीडियो भी बनाया और बकायदा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दिया। पीड़ित के अनुसार उसे रायगढ़ ले जाकर स्टेशन चौक के आसपास रखकर फिर घंटों मारपीट की। फिर आरोपी युवकों ने उसे सिटी कोतवाली थाना रायगढ़ में पुलिस के हवाले कर दिया। मामले ने जब तूल पकड़ा तब पीड़ित युवक के साथ कुछ लोग रायगढ़ पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पिथौरा थाने में शिकायत करने की सलाह दी। उनका कहना था कि मामला चूंकि पिथौरा थाने का है इसलिए एफआईआर वहीं होगी। तब मामला महासमुंद पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आते ही घटना के वक्त थाना पिथौरा में मौजूद 2 आरक्षकों को लाइन अटैच कर वीडियो की जांच के निर्देश दिए थे। अब इस मामले में कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी प्रधान आरक्षक अनिल साहू, गोपाल साहू, शैलेश ठाकुर को महासमुंद एसपी ने निलंबित कर दिया है।